चैनल माय नेम इज आयना एंड हाउ आर यू। सो गाइस इतने दिन हो गया, आई थिंक 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया ना मेरा कोई शॉर्ट आ रहा है मेरा, और ना कोई मेरा ब्लॉग आ रहा है ना कोई मेरी वीडियो आ रही है। वो उसका एक मेरे प्रॉब्लम था, बिकॉज मैं जैसे अब स्टार्ट थी क्योंकि मेरे पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी थी, सो डैट्स व्हाई। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि एक दिन में आप लोगों ने मेरे 10 to 15 सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो को 2.8K लेकर जाने के लिए सो मच थैंक यू। सो गाइस आज का हमारा चैलेंज ये है 24 आवर्स हंटर रूम चैलेंज, ठीक है। आज हम करेंगे हंटर रूम चैलेंज। आप लोग कह रहे होंगे ये कैसे कपड़े पहने, हंटर रूम के लिए ये कपड़े तो नहीं होते। सो अभी ट्रांसलेशन होगी, सो मैं भी कहूँगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लेट्स गो। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने रूम को वगैरह 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 सब कुछ लगा दिया ड्रोनिंग। और आप लोग कह रहे होंगे ड्रोनिंग लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, वट एवर, सो इससे क्या होगा, मतलब एक तरह का हंटेड होगा या फिर ज़्यादा हंटेड होगा। और गाइस इस टाइम अगर आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ, जो मेरे वॉशरूम के अंदर वॉशरूम था उसका जो टैप था वो खुला हुआ था और एकदम वो बंद हुआ है और फिर खुला है। मेरा दिल है ये मैं चैलेंज ना करूँ पर मैं वॉशरूम के रूम दरवाजे के लगाऊंगी कुंडी और तभी ये सब चैलेंज वगैरह करूंगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे रूम की होगी लाइट बंद, मतलब बहुत 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 बंद हो गया, बिल्कुल अंधेरा होगा, बिल्कुल से बिल्कुल अंधेरा होगा, ठीक है। और अब आप अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं, पहले अपने रूम को सब कुछ हम आप लोगों को दिखा देती हूँ फिर अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, तो वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस अब करवाती हूँ अपने रूम का व्यू। सो यहाँ पर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सामने सोफा है जिसके मेरे कपड़े हैं ताकि हम कपड़े चेंज कर सकें, और यहाँ पर फैन है जिसके ऊपर रखा हुआ हमने टॉवल, और ताकि हम जब कोई खाना पीना खाएं तो जब हाथ धो सकें तो हम इसे साफ कर सकें। और यहाँ पर कुछ स्पून्स वगैरह हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा इतना खुला सबसे बड़ा बेड जिसके ऊपर मैं स्कूल से सोऊंगी, और सबसे बड़ी बात एक्सटेंशन ताकि हम अपनी सारी चीज़ें मतलब जैसे कि मोबाइल चार्ज कर सकें। और गाइस यहाँ पर मैंने मास्क लगा दिया जिससे मुझे बहुत डर लगा, गाइस यहाँ पर भी लगा दिया। गाइस अब मैं आकर बैठी हूँ आराम से स्कूल से अपने रूम का व्यू करवा के, और अभी हमारा टाइम हो रहा है 6:22, मतलब कल 6:22 पर हमने यहाँ से निकलना है। इट्स रियली डिफ़िकल्टी बिकॉज मतलब एक रूम में एक आई। और गाइस आप लोग तो सोचोगे मैंने इतनी जल्दी ये सब कुछ करके से लिया, पहले रुक जाए पहले फ़ैन ऑन करके आती है, बिकॉज मैंने फ़ैन बिल्कुल ऑफ कर दिया था जब मैं ये सब कुछ कर रही थी, मैंने कहा था फ़ैन बाद में ऑन कर लूँगी, ठीक है। अच्छा गाइस आप लोगों को एक सच्ची बात बताऊँ, आप लोगों को लग रहा होगा ये मैंने सब कुछ इतनी जल्दी किया, नहीं जी इतनी जल्दी हुआ है। अगर आप लोग एक सच्ची बात बताऊँ, मेरा मुझे 15 to 25 minutes तो लगे क्या, और इतना थक कि मैंने फ़ैन बंद कर दिया, इतना बस थैंक्स सो मच ताकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और आप लोगों ने मेरे जो सब्सक्राइबर है 41 कर दिया, 43 से 41 कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा और मेरी वीडियो को इतना ट्रेंडिंग में लेके जाने के लिए सो थैंक यू सो मच थैंक यू। अच्छा गाइज और मुझे रिमाइंड करते रहा करें, मैंने बारबी वाली वीडियो पे कहा था कि मुझे बताते रहा करने में किस तरह के चैलेंज करती रहूँ करूँ, जैसा लिविंग लाइक अ बारबी गर्ल वो तो मैंने कर लिया, ठीक है। और लिविंग इन द स्टोर फॉर 24 आवर्स, लिविंग इन द रूम फॉर 24 आवर्स, लिविंग इन द हंटेड हाउस फॉर 24 आवर्स, हंटेड रूम वाला तो मैं कर दिया, ठीक है। और गाइज थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो का 2.8K पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे सब्सक्राइबर को 43 से 41 लाने के लिए थैंक यू सो मच, मतलब 22 थे मेरे सब्सक्राइबर और मैं बाबर मास को देखने में इतना डर लग रहा है, 22 थे और आप लोगों ने 43 कर दिया, फिर 2 मतलब कम हो गए थे, कोई बात नहीं ऐसा ऊपर नीचे होता रहता, ठीक है। और गाइस थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे ऐसी आगे मुझे इस तरह सपोर्ट करें ताकि मेरे 100K वगैरह हो जाए, ठीक है।
किया और मेरी इस तरह वीडियोस को और सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मुझे आ रही है नहीं, मैं थोड़ा सा अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाती हूँ क्योंकि इसकी 47% है और मैं सोती हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो। ओके गाइस, मैं सो गई थी और अब हो रहे हैं टाइम कोई 11:23, मतलब मैं इतनी देर सो गई हूँ और अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आने लगी। ठीक है, मतलब ये कि नींद नहीं आने लगी और मतलब मुझे लग रहा था मैं 1-2 hours सोंगी और मैं उठ जाऊँगी, बट इतनी देर सो गई तो अभी भी मुझे नींद मुसलसल आ रही है। बट मैंने कहा फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ कि मैं उठ गई हूँ। ठीक है, मैं उठ गई हूँ और अभी मैं थोड़ी देर उठ गई हूँ और अभी मैं कुछ वगैरह वगैरह कर और मैं देख रही हूँ मेरे रूम में कोई आया तो नहीं है, कोई नहीं आया। मतलब गाइस, मतलब मैं अकेली सोई भी थी। गाइस आप लोग देख रहे थे मुझे, मेरे पास कोई है तो नहीं था, जिन वगैरह नहीं है ना, बस ठीक है। अच्छा, और क्या करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मैं जल्दी क्या करूँ। मुझे आप लोग ना मेरी पहले वाली वीडियो में शॉर्ट पर बताएं मैं क्या करूँ, फिर गाइस पहले वाला शॉर्ट है उस पर जल्दी से कमेंट करें कि मैं कौन सी गेम खेलूँ, फिर मैं मतलब वगैरह वगैरह क्या करूँ, तो जल्दी से मुझे बताएं। और गाइस मैंने अब ये सोचा है जिस तरह 24 hours चैलेंज और जैसे कि चैलेंज और काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हैं, उससे मैं उसके ब्लॉगर्स भी ऐड किया करूँगी शुरू में, ताकि मैं आप लोगों को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो कर सकूँ, ब्लॉगर वगैरह भी ऐड करा करूँगी ब्लॉगर्स। ठीक है, मुझे बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जो भी शॉर्ट हो ठीक है उसके ब्लॉगर्स ऐड करूँ कि ना करूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से करूँगी, चूँकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों से लेना था एक क्या कहते हैं आंसर। ठीक है, सो अभी मैं करती हूँ कुछ ना कुछ तो करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे बताते रहा करें और गाइस मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहा करें जिस तरह आज मुझे आप लोगों ने 1.5 hour में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, और इस तरह ही मुझे और सपोर्ट करें ताकि मैं 1-3 months में 100K कर सकूँ, एक ये मेरा चैलेंज होगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही हूँ कि जिस तरह गेम्स अभी मैं खेलूँ या फिर लर्निंग वगैरह करूँ। ओके, लर्निंग करते हैं गाइस। मैं बुक्स लेने जा रही थी, जल्दी जल्दी मेरी टांगे भी अभी नीचे हैं, लेग्स भी नीचे हैं, ज़मीन पे पाँव रखे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तो बाहर जा ही नहीं सकती, तो मैं अपनी मम्मा से मंगवाती जिसने लाइक बार भी गर्ल में भी उनसे मंगवाया था और अभी भी मंगवाती मम्मा। सो गाइस, मैंने अपनी मम्मा से कॉपीज मंगवा ली जिसका कल टेस्ट वगैरह है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ना, जब गाइस हमें समर वैकेशन हुई थी तो तब मिस ने लिखवाया था किसी भी टेडी बियर पे, आप मिस कहती अपनी मर्ज़ी से ना जो कुछ बनाया था बना लो और उस पर लिख लेना समर ब्रेक। सो गाइस मैंने ये बनाया था और मिस ने बहुत ज़्यादा मुझे गुड बहुत एक्सलेंट कहा था। ठीक है, और इसके साइड पर लिखा था यहाँ ये है समर ब्रेक। ठीक है, ये मैंने एक टेडी बियर से बनाया था। ठीक है, और फिर मैंने बनाया था जब हम थर्सडे को पीरियड थे आर्ट्स के टू, फिर मिस ने कहा था वी आर बैक, तो मैंने फिर ये बनाया था। ठीक है, वी आर बैक। और लर्निंग मेरे कुछ मैथ्स के काम किया, अपना मैथ्स का काम भी दिखाती हूँ मैं किस तरह से करती हूँ, किस तरह से नहीं करती हूँ मेरा जो पेपर इस तरह से मैं कर रही होती हूँ। ठीक है, मैं और भी दिखा देती हूँ। तो गाइस मेरे काम इस तरह के भी होते हैं, हाइलाइटर से वगैरह। ठीक है, ये हाइलाइटर से होते हैं, फिर कुछ सब्सट्रैक्शन के सम से सब्सट्रैक्शन और फिर एब्स्ट्रैक्ट के सम होते हैं कुछ। ठीक है, और कुछ मल्टीप्लिकेशन भी इलेक्टिव विद एडिशन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सम्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं। ठीक है, सभी सब नाम है तो मैं इसको याद करती हूँ। Guys.
कुछ नहीं आ रही, याद ही कर रही हूँ। मैंने कुछ बनाने प्रोजेक्ट वगैरह, तो प्रोजेक्ट का संडे है और मुझे प्रोजेक्ट देने हैं मंडे को। मंडे को नहीं देने, मेरा अभी तक नेम ही नहीं आया। हाँ, मेरे फ्रेंड ने देने थे मंडे को और मेरा तो अभी तक नाम ही नहीं आया। ठीक है, तो मैंने उसके लिए अभी तक प्रोजेक्ट बनाना था, बनाया नहीं है, बट मैं नाइट पर बना लूँगी। ठीक है, और अभी तक मेरा नेम नहीं आया। बस उसके लिए एक फ्रेम बनाना है मैंने, डबल साइडेड फ्रेम, ठीक है, और डबल स्टैंड वाला फ्रेम, ठीक है, वो बनाना था। मतलब एक ही में सब कुछ होता है। और अब हम कुछ करते हैं, लर्निंग लर्निंग का हो गया। जो गाइस, हम एक आंखों पर बांधते हैं कपड़ा, आग में चोली में ज़्यादा बांधते हैं, लगते हैं कुछ चीज़ें अपनी मम्मा को कहती हैं, मम्मा कोई पे ना कोई चीज़ें रख दो, फिर मैं उसको ढूंढूंगी और वो फ्री चीज़ें होंगी। ओके गाइस, सो मैं अभी आंखों पर बांधती हूँ कपड़ा, ठीक है, वो भी अपनी मम्मा से मंगवा लेती हूँ। मम्मा सो गाइस, मम्मा ने मुझे दे दी और मम्मा के लिए थ्री बैंगल्स इनको दिखा दें। सो ये ऑरेंज 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 ये ऑरेंज, ठीक है, तो मम्मा इनको छुपा दें, मैं आंखें तब तक बंद करती हूँ। गाइस, मुझे पता नहीं मैंने बैक साइड पकड़ी हुई है जब फ्रंट साइड पकड़ी है, बस मम्मा ने कहा इस तरह पकड़ ले, आपका मतलब तुम्हारा फेस नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मुझे मेरा फेस तो नज़र आ रहा होगा, बट अब ढूंढते हैं मतलब क्या चीज़ हमने ढूंढी। बैंगल्स कहाँ पर रख रही है मम्मा ने, यहाँ पर तो नहीं है, फिर भी ऊपर भी देख लेते हैं। ओए ये तो नहीं, ओए मिल गई एक। सो गाइस, एक बैंगल तो मिल गई मुझे, ठीक है, दूसरी ढूंढते हैं। ये मिल गई। सो गाइस, मुझे दूसरी भी मिल गई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ पर होगी तीसरी। सो गाइस, मुझे थ्री बैंगल्स मिल चुकी हैं, आप उठा लेती हूँ। ओह माय गॉड, आई होप आप लोगों को भी इस तरह ही मेरे साथ गेम खेलते खेलते मज़ा आया होगा। और इस टाइम हो रहा है रात के 3:09 गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी अपने आप को थोड़ा सा हाँ दे रही हूँ, यू कैन डू राइट ना, यू कैन डू। ओके गाइस, और ओके सो डू, अब सोचिए मैं क्या खेलूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं मेरा चैलेंज ख़त्म होने में, तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं मेरा चैलेंज ख़त्म होने में। बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, ठीक है, और बस ज़रा सी टाइम लग गया। और मैंने रात किस तरह गुजारी, बस आई डोंट नो मैंने किस तरह रात गुजारी है, ठीक है। और गाइस, अगर आपको एक सच्ची बात बताऊँ तो मुझे रात को वाजे भी आ रही थी, बट मेरे जब मैंने अपनी मम्मा से सुबह पूछा, जब वो मुझे ब्रेकफास्ट देने आई थी, वो कह रही थी वो हम लोग शोर कर रहे थे उधर, मैंने कहा मम्मा आप लोग उठे थे, हाँ जी, तो मैंने कहा ओके, तो मैं डर रही भी थी बट फिर भी मैंने रात के साथ गुजारी, आई डोंट नो, फिर मैं सोची आप लोगों के सामने ही, ठीक है। तो बीच में मैं भी कुछ देर वीडियो भी स्टॉप कर देती थी, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा ज़्यादा देर तो लर्निंग किया 1-2 आवर्स, इस वजह ठीक है। और थैंक यू, वो भी 1 मिनट कंप्लीट हो गया, यस, 1 मिनट कंप्लीट, इट्स मेरा चैलेंज हो गया कंप्लीट। सो गाइस, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाय कीजिएगा, और मुझे ब्लॉपर्स का जरूर बताना, मैं ऐड करूँगी नेक्स्ट वीडियोज में, नहीं बाय नहीं एंड सब्सक्राइबर्स। सो गाइस, जो लाइट थी ये मेरे फ्लैश की थी, तो वैसे तो जो रूम की थी लाइट बंद थी। ओके, बाय एंड सब्सक्राइब लाइक माय चैनल एंड वीडियोस।